बनता है वेरी नाइस, और फुटबॉलर, कोई कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, और फुटबॉलर क्रिकेटर बनता है, फुटबॉलर क्रिकेटर, कोई स्पोर्ट्समैन बनता है, क्रिकेटर बनता है, क्या बनता है, पायलट बनता है कोई, बिल्कुल, और कोई पॉलिटिशियन बनता है, वाह, और नेवी में जाता है, फोर्सेस में जाता है, सर बनता है, टीचर बन जाता है, ठीक है, टीचर बनता है, लेबर डे पे भी काम करना पड़ता है, छुट्टी वाले दिन भी, और तुम्हारे आने से पहले कुर्सियां भी लगानी पड़ती हैं, ठीक है, और क्या क्या बनते हैं लोग, आर्मी में जाते हैं, सबसे मजेदार काम कौन सा है, साइंटिस्ट, आर्मी, पाक फौज, डॉक्टर, स्पोर्ट्स खेलना, इंजीनियर, सर इंजीनियर या इंजीनियर, कौन सा वाला अच्छा है, इंजीनियर अच्छा है, अच्छा ये जो तमाम तुमने बातें की हैं इसमें इस बात का आज के दिन में और वैसे भी ख्याल रखना कि हम सबके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो अगर तुम्हारा ख्याल मुख्तलिफ है तो इसका मतलब नहीं तुम चुप करके बैठे हो, अगर किसने कहा नहीं फौज अच्छी होती है और तुम्हें लगता है नहीं नहीं डॉक्टर अच्छा होता है तो तुम कहो अच्छा यार सब चार लोग फौज का कह रहे हैं तो मैं भी फौज का कह देता हूँ या मैं नहीं बोलता, तो हमारे सेशंस के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर अपने ख्याल का इजहार करना जरूरी है और हम सबका मुख्तलिफ होना हमारी ताकत है, ठीक है, सो चिकन कढ़ाई में क्या क्या डलता है, क्या क्या डलता है, मसाला कौन सा, टमाटर, प्याज, बड़ा टाइम क्यों लगा है कढ़ाई बनाने में, और क्या तेल डलता है, और नमक, और कढ़ाई मसाला, ये आसान कर दिया, उसके अंदर क्या होता है, सोचो इन तमाम चीजों का जायका मुख्तलिफ है या नहीं, अगर सबका जायका सिर्फ नमक जैसा हो तो कढ़ाई कैसे बनेगी, अगर सिर्फ गोश्त ही गोश्त हो तो कढ़ाई कैसे बनेगी, अगर सिर्फ तुम चिकन मसाला या कढ़ाई मसाला डालते रहो तो कढ़ाई नहीं बन सकती, सो मजा कढ़ाई किस वक्त बनती है जब ये मुख्तलिफ चीजें अपना अपना जायका शामिल करती है, और जब कोई एक चीज नहीं होती तो कहते हो आज कुछ मजा नहीं आ रहा, तो क्या कहते हैं आज नमक नहीं है यार, नींबू होता तो मजा आ जाता, मसाला आता रहता मैं, तो हर चीज अपना अपना जायका लेकर आती है, और मजेदार कढ़ाई बनती कैसे, तमाम चीजों का क्या करते हैं, मिलाकर इसको मिलाते हैं, किस चीज के ऊपर रखते हैं, चूल्हे के ऊपर, यानी आग लगाओ, एक तो मुख्तलिफ लोग आए फिर उनमें आग भड़काओ, जब वो आपस में लड़ते हैं मसाला गोश्त से टकराता है, पानी उबल रहा होता है, तेल जला रहा होता है, तब जाके शानदार कढ़ाई बनती है, या अब आप सोचे आग ना लगाए तो क्या होगा, कभी नहीं लगने लगेंगे, अब इसी बात को आज की या किसी भी ट्रेनिंग से कनेक्ट करो जो इस तरह की गुफ्तगू होती है, अगर उसमें सब नमक हो तो मजा नहीं है, और अगर हम ख्यालात की जल में ना जाए, आपस में जल नहीं, किस चीज की जल, ख्यालात की जल, यानी कहने का मतलब ये कि ये उमैर मैं इससे अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकता, ठीक है, मुझसे ड्राइंग बस इतनी होती है, और ये जो है फैज है उससे से देख रहा है, ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि या तो आपस में लड़ाई करें जो कि हम ज्यादातर सड़कों के ऊपर करते हैं, गिरेबान पकड़ लेना या गाली गलौज कर देना, और फिर हम क्या कहते हैं तेरे घर वालों ने या तेरे बाप ने, अपने बाप की औलाद तो जरा निकल, तो हम क्या करते हैं आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, अना की जंग है, तो हमें इससे बढ़ के किस चीज की जंग करनी है, ख्यालात की जंग करनी है, आपकी मेरी बहस इस ख्याल के ऊपर होनी चाहिए, आइडिया के ऊपर, शख्सियत के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, आप भी माँ के पेट से आए, मैं भी माँ के पेट से आया, सो कढ़ाई वाला उसूल आज की ट्रेनिंग में अप्लाई करेंगे, सब अपना अपना जायका लेकर आओ, कोई प्याज है तो प्याज बने, कोई नमक है तो नमक बने, कोई मसाला है तो मसाला बने, जो गोश्त है तो गोश्त बने, और इन सबको हम आग के ऊपर लगाएंगे, यानी कहो अपनी बातें, सवालात उठाओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गुफ्तगू करते रहे कि तुम आखिर तक सवाल ना पूछो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा ख्याल मुख्तलिफ है तो तुम उसको आगे ना बढ़ाओ, हो सकता है तुम्हारा मुख्तलिफ ख्याल हम सब के लिए सीख बनता है, हम सब के लिए लर्निंग बनता है, तो क्योंकि मैंने ये बात छेड़ दी है तो कहते हैं तीन तरह के लोग हैं, या सो एक कैटेगरी होती है एवरेज,
हम कहते हैं ना ये एवरेज आदमी, एवरेज से क्या मुराद होती है? हद में, हद में है या बाउंड्री में? तो है, हद में तो है, लेकिन कोई खास शानदार नहीं है, एवरेज मियां है, यानी बीच का है। हम कहते हैं एवरेज प्लेयर। कैसा प्लेयर? एवरेज प्लेयर यार, यानी इससे बहुत ज्यादा वंडर्स की या बहुत ज्यादा सक्सेस की या बहुत ज्यादा गोल करने की या बहुत ज्यादा रन बनाने की उम्मीद ना लगाओ। क्यों? क्योंकि एवरेज खिलाड़ी है। एवरेज से नीचे कौन होता है? पुअर परफॉर्मर। हम कहते हैं इज अ पुअर परफॉर्मर। तो पाकिस्तान के पास एक कीपर था वर्ल्ड कप के अंदर, कौन था? उसने पहले तीन मैचेस में क्या किया? या दबा के कैच ड्रॉप किया। तो हमने क्या कहा? ही इज अ पुअर विकेट कीपर। उस गेम के लिहाज से, उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। इसी तरह एवरेज से ऊपर कौन होता है? गुड या एक्सेलेंट। इसको एक्सेलेंट कह लो, इसको ग्रेट कह लो, इसको शानदार कह लो अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो ये शानदार है, ये बीच का है और ये बकवास है। तीन तो कहते हैं इस दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। ये तीन तरह के, ये जो लोग हैं ये जब भी बैठते हैं तो ये और लोगों की बात करते हैं और रिबत करते हैं। तो हदीस में क्या आया था? जिसने रिबत की उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि अगर मैं बैठ के आपकी बुराई कर रहा हूँ आपके पीछे तो कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग क्योंकि गरीब है सोच के लिहाज से, जिंदगी के लिहाज से, तो ये बैठ के सिर्फ लोगों की बात कर रहे हैं। तुझे पता है उसने क्या किया? तुझे पता है कोच ने उसके साथ क्या किया? अबे ऐसा मैंने उसको जवाब दिया तेरे भाई ने, ठीक है सर। ये क्या है? ये पुअर कैटेगरी है। फिर एवरेज कैटेगरी जो है इवेंट्स की बात करती है। लियारी में जलसा हो रहा है भाई, फला मैच, फला टूर्नामेंट हो रहा है, तुझे पता चला उसमें क्या हुआ? ये कराची फेस्टिवल, ये आयन कराची इवेंट हो रहा था। सो ये क्या बात करते हैं? इवेंट्स की बात करते हैं, हालात और वाकियात की बात करते हैं। कल वो फला बंदे को पकड़ लिया, अब कराची में तो हालात और वाकियात। तो कहते हैं ये एवरेज लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो शानदार लोग होते हैं, जो एक्सलेंट होते हैं, जो कि ग्रेट होते हैं, जो कि सुपर्ब होते हैं, वो क्या बात करते हैं? आइडियाज की, ये ख्यालात की बात करते हैं। ये कहते हैं दुनिया कैसी होनी चाहिए, किस चीज पे काम किया जाए तो तब्दीली आ सकती है। अगर मुझे जीने का दोबारा मौका मिलता तो मैं क्या करता? और कहते हैं ये कि ये तीनों हमारी चॉइस है, हम चाहें तो हम किसी में भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो अपना वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा इस गुफ्तगू में लगाने की जरूरत है, ख्याला आइडियाज के अंदर। अब ये आइडियाज के सोर्सेस क्या क्या है? अच्छे ख्याल कहाँ कहाँ से आते हैं? गौर व फिक्र करने से। तभी कुरान दावत देता है गौर व फिक्र करो। दिन रात के आने जाने में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं, सोच की दावत देता है। फिर कुरान बार बार कहता है क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुम नहीं समझते, क्या तुम नहीं सुन पाते, क्या तुम्हें नहीं मालूम, सवाल करता है। और क्या हमें दावत क्या देता है? गौर व फिक्र करने की। इकबाल ने क्या कहा था? खिरत को गुलामी से आजाद कर। खिरत से क्या मुराद होती है? सोच। खिरत को गुलामी से आजाद कर। अब ये खिरत की गुलामी क्या मुराद है, जरा इसको मिसाल में डाल के देखते हैं। कभी आपका सर्कस जाने का इत्तेफाक हुआ है? सर मतलब अपने आप को महदूद नहीं करो। अपने आप को महदूद नहीं करो और खास तौर पे अपने ख्याल को महदूद नहीं करो, अपने दिमाग को महदूद नहीं करो। क्योंकि अभी जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें जरूरी है कि तुम अगर हद के अंदर सोचोगे, महदूद सोचोगे तो बहुत छोटा सोचो। शायद तुम ये कहो कि देखो मेरे घर वालों ने ये किया है, मेरे खानदान में इस तरह के लोग, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो एच बी एल बैंक का एक इश्तेहार था, उसमें वो कहते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आ रहे हो। वो कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आ रहे हो, फर्क किससे पड़ता है? उल्टा करो उसका। वो कहता है फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम आ कहाँ से रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। दैट जा कहाँ रहे हो इज करियर।
कि तुम जा कहाँ रहे हो, सीधा सीधा सवाल है कि तुम जा कहाँ रहे हो। अब जरा इसको मिसाल के अंदर डालते हैं इस हद वाली बात को, क्योंकि गुफ्तगू हमने छेड़ दी है। तो सर्कस के अंदर कौन कौन से जानवर होते हैं? शेर होता है और बंदर भी होता है, सांप, सांप लोमड़ी होती है सर्कस तो समंदर पे होता है, सर्कस में नहीं होता। हिरन, हिरन सर, हिरन भी होता है। पांच पांच पैर वाला गाय, पांच पैर पर दमदम, उसको क्या बोलते हैं? ये नहीं पता। तोता भी होता है। तोता, तोता या तोता, वो तो दोनों सकते हैं यार। उदय तो बताओ क्या होता है सर्कस में? बिल्ली, बिल्ली भी होती है यहाँ सर। पांच पांव वाली है, चार बार चार बार में पांच पांव वाले लगा लो सर्कस में डालो। आया था। अच्छा अब सर्कस में जानवर क्या कर रहे होते हैं? शेर क्या कर रहा होता है? हाँ रेस लगा रहा होता है। कर्तव्य क्या दिखा रहा होता है? छलांग मारता है, एक रिंग बना हुआ होता है और उसमें से शेर छलांग लगा रहा होता है। जलपरी भी होती है। इस तरह के बहुत सारे जरा शेर पे आ जाते हैं। शेर कौन कौन से करतब दिखा रहा होता है? आग में से कूद रहा होगा या रेस लगा रहा होगा या खड़ा हुआ चिंगाड़। अब शेर कौन है? शेर को क्या कहते हैं? जंगल का बादशाह। कर क्या रहा होता है सर्कस में? क्या कर रहा होता है? करतब दिखा। जंगल का बादशाह आग में से छलांग लगा के दिखा रहा है। जंगल का बादशाह जिसको देख के बाकी जानवर भाग जाए, गुम हो जाए, वो सर्कस में क्या कर रहा होता है? आग में से छलांग लगाता है। वो सर्कस में रेस लगा के दिखा रहा है। आपने बात की हाथी की, हाथी सर्कस में क्या कर रहा होता है? पानी। अब आप सोचे हाथी कितना, हाथी का वजन कितना होता है? सोचो, 80 किलो। ये अच्छा जवाब, बहुत ज्यादा। 80 किलो, 3-4 टन, सही कह रहे हो। कम से कम 2 टन, 2 टन से मुराद 2000 किलो। यानी हाथी अगर किलोमीटर दूर से भाग कर आ रहा है ना, तो तुम्हें धप धप पैरों से पता चल जाएगा हाथी आ रहा है। और हाथी अगर पैर रखते किसी चीज के ऊपर, किसी बाइक के ऊपर, तो मुमकिन है उनका बचना, तुम्हारी फुटबॉल के ऊपर। ठीक है, अब ये हाथी की शान है। और हाथी सर्कस में क्या कर रहा होता है? पानी फेंक फेंक के दिखा रहा होता है। हाँ, या गश्त लगाता है या घुमाता है, चक्कर खिलाता है। यहाँ पे कराची में भी जू के अंदर हाथी होता था। बॉल से बॉल उछाल रहा होता है हाथी। तुम देखो हाथी कितना बड़ा जानवर है और क्या बेवकूफाना काम कर रहा होता है। जरा सोचो कभी इस बारे में, उसकी शान है। हाथी जो है हालांकि वजनी जानवर है, लेकिन उसके बावजूद बहुत तेज जानवर है। हाथी बहुत तेज दौड़ता है, despite of being one of the heaviest, सबसे ज्यादा वजन के बावजूद तेज तरीन दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। लेकिन सर्कस में इतना सुस्त होता है, वो खड़ा हुआ होता है, कोई आके बैठ जाए मुझ पर और हिलता नहीं है। फिर उसका मालिक उसको एक लफ्ज कहता है तो वो एक कदम उठा लेता है, फिर एक और लफ्ज कहता है वो दूसरा कदम उठा लेता है। तो मैं श्रीलंका गया तो वहाँ पे वो बैठा के और इस तरह घुमा रहे होते, बिल्कुल सुस्त चल रहा होता है। उसकी स्पीड ही खत्म होती है सारी की सारी। फिर वो नदी में जाता है, उसमें से पानी सूंड में जो है वो सब कर लेता है और फिर उसका मालिक उसको एक लफ्ज कहता है तो वो यूं करके उसको जो बैठा होता है उसके ऊपर पानी डाल लेता है। एलिफेंट शावर कहते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूँ सर्कस के पीछे क्या होता है। कभी आप सर्कस के पीछे जाके देखें, आपको यही 3 टन का जानवर इतनी सी रस्सी से बंधा हुआ नजर आएगा। ऐसे करो जरा, अब इस रस्सी का साइज देखो और अपने आप से पूछो कि 3000 किलो का जानवर इस रस्सी से बंध सकता है? लेकिन हाथी किसी रस्सी से बंधा हुआ होता है और वो सिर्फ उसके पैर में घूमी हुई होती है। और तुम जाके देखोगे ना, तुम कहोगे तो ये तो खुला हुआ है क्योंकि तुम तो उसका वजन देख रहे हो और तुम रस्सी देख, तुम कह रहे हो यार ये तो खुला हुआ है, ये तो भाग जाएगा। तो तुम सर्कस वाले को पकड़ के लेकर आते हो, कहते हो तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा हाथी इतनी सी रस्सी से, इस पे जंजीरें लगाओ, इसको बांधो, बड़े बड़े ताले लगाओ, ये इसको अगर एहसास हो गया कि खुला हुआ है तो क्या करेगा हाथी? कहते हैं ये उधम मचा देगा, ये तो लोगों के ऊपर चढ़ जाएगा, टेंट छेड़ गिरा देगा, ये तहस नहस, लोगों की जानों के ऊपर तुम जुल्म करोगे, तुम इसको बांधो। तो सर्कस वाला आपको बड़े मजे के अंदाज में कहेगा, ये हाथी कहीं नहीं जाता।
ये हाथी कहीं, और वाकई वो सही बात कह रहा है कि ये हाथी कहीं नहीं जाता, इतनी सी रस्सी से बंधा हुआ है, और ये रस्सी इतनी है कि अगर ये छींक भी मारे तो ये रस्सी जो है टूट जाए, लेकिन वो जिंदगी भर इस बात की कोशिश नहीं करता। क्यों? उसकी सोच महदूद होती है, एनर्जी तो बड़ी होती है सर उसके पास, उसका कोई मकसद नहीं होता। उसे सिखाते, कैसे सिखाते हैं? जब ये हाथी छोटा सा होता है तो ये बिल्कुल आप जैसा मजेदार जिंदगी गुजारने का शौक, अगर कोई कोई इजाजत का मसला ना हो, कोई आपके ऊपर रोक टोक ना हो, तो आप क्या करेंगे सुबह उठ के आजादी में? क्या करेंगे? रात को लेट सोएंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, गेम खेलेंगे, कभी पढ़ती कभी वीडियो गेम, पढ़ेंगे नहीं, शाबाश, फौरन तुमने फिट कर दिया कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं, गेम खेलते रहेंगे, मजे करेंगे, ठीक है, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ का खाना खाएंगे, और जो है कोई टेंशन वाला काम नहीं, कोई बोरिंग काम नहीं करेंगे। ये हाथी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपकी सोच है कि अगर मैं आज़ाद और ये अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन सर्कस वाले देखते हैं यार ये हाथी अच्छा है, हाथी को पकड़ते हैं और उसको सर्कस में ले आते हैं। अब ये छोटा होता है उस वक्त, जरा दिमाग में तस्वीर बनाओ, इसको सर्कस में ला के बांध देते हैं इस साइज की रस्सी, इसी साइज की रस्सी के साथ, और एक किला होता है जिसमें बकरा ईद के लगाते हैं ना गाय बांधने के लिए, उस किले के साथ, तो उस वक्त ये बड़ी कोशिश करता है अपने आप को छुड़वाने की, बड़ा जोर से झटके लगाता है, दूर से भाग के आता है, किसी तरीके से वो किला टूट जाए, रस्सी टूट जाए, लेकिन जितनी मर्तबा कोशिश करता है उतनी मर्तबा अपने आप को चोट लगाता है, तो उसको कर करके एहसास हो जाता है कि अब मैं इससे आजाद नहीं हो सकता, अब मैं इससे, अब ये कहानी पे तवज्जो रहे, बहुत अहम कहानी है। अब तुम सोचो जरा ना, जलाल, जलाल को अगर मैं एक रस्सी के साथ बांध दूं यहाँ पे, तो जलाल की मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये कितना घूम सकता है? या अगर मैं रस्सी से बांध दूं तो तुम कैसे घूमोगे? जितना हद तक घूम सकते हो कितना जाओगे? ठीक है, चाल जरा मुझे करके दिखाओ, तुम रस्सी से बंधे हो यहाँ पे तो गोल घूमेंगे। अब ये हाथी भी जो है ये इसी दायरे में बंद हो जाता है, थैंक यू जलाल, इसी दायरे के अंदर बंद हो जाता है, और उसकी सोच में क्या आ जाता है, मैं इससे आजाद नहीं हो सकता। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, 3 साल गुजरते हैं, 4 साल गुजरते हैं, अब क्या होता है इस छोटे से हाथी के साथ, क्या होता है? सीख तो ये है, अब ये बड़ा हो जाता है, और ये कितना बड़ा हो जाता है? 3 टन का हो जाता है। हाँ, वो 3 टन का जाता है, लेकिन सोच क्या होती है? वही वाली, अब वो रस्सी का गुलाम नहीं है, अब वो किस चीज का गुलाम है? अपनी सोच का, और सोच की गुलामी रस्सी की गुलामी से ज्यादा खतरनाक है। सोचो इस बात को, सोच की गुलामी रस्सी की गुलामी से ज्यादा खतरनाक है, और आहिस्ते आहिस्ते उसके अंदर बहुत सारी चीज आ जाती है, लेकिन उसकी सोच महदूद हो जाती है, और वो इतना बड़ा होने के बावजूद इसी रस्सी से बंधा रहता है, उसको लगता है मैं इससे आजाद नहीं हो सकता। हम इंसान भी ऐसे ही करते हैं, हमें बचपन में बहुत सारी बातें कही जाती, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं तुम मजदूर बाप की औलाद हो, तुम्हारे बाप ने ये किया है तुम्हारे, और वो सही बात कह रहे होते हैं, लेकिन वो क्या रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता तुम उस रस्सी पे क्या कहते हो, यार मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो जब तुम बड़े भी हो जाओगे, शानदार हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी सोच वहीं पर फंसी हुई रहेगी। तो इसीलिए सोच को आजाद रखने की बहुत अहमियत है, और ये पहला सबक है करियर प्लानिंग का, क्योंकि तुमने मुस्तकबिल माजी पे नहीं बनाना, हालात और वाकियात और अपने खानदान की हिस्ट्री पे नहीं बनाना, तुमने मुस्तकबिल शानदार बनाना है अपने टैलेंट के ऊपर। तो हो सकता है खानदान में कोई करोड़पति ना हो, लेकिन तुम बन सकते हो, हो सकता है खानदान में से कभी किसी ने स्पोर्ट्स में ना बनाओ, लेकिन तुम बन सकते हो, हो सकता है खानदान में कोई गाने वाला म्यूजिशियन ना हो, लेकिन तुम कर सकते हो, हो सकता है कोई पायलट ना हो, कोई आर्मी में ना हो, लेकिन तुम पहले हो सकते हो। सो फर्क इस बात से नहीं पड़ता तुम कहां से आए हो, फर्क इस बात से पड़ता है तुम जा कहां रहे हो।